नमस्कार दोस्तों, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम अंडर प्रिविलेज गर्ल्स इन अंडर 19 फुटबॉल के अंदर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि देश बदल रहा है और देश के साथ साथ लोगों की सोच बदल रही है। एक बहुत खूबसूरत बदलाव जो हमने कुछ पिछले वर्षों के अंदर देखा है वो ये है कि आज महिलाएं या फिर लड़कियां हर क्षेत्र के अंदर लड़कों के साथ, आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वेल, दैट इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल चेंजेस दैट हैज डेफिनेटली हैपन इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, थैंक्स टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर सिर्फ क्रिकेट ही वो स्पोर्ट नहीं रहा है जिससे आज हम लड़कियों को या फिर एक स्पोर्ट को पहचानते हैं। बहुत सारे ऐसे और भी स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर लड़कियां आगे उभर कर आई हैं, और ऐसा ही एक स्पोर्ट है फुटबॉल। यूं तो हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है, लेकिन इन सपनों को पूरा वही कर पाते हैं जिनके हौसले बुलंद हो, जिनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा हो। ऐसा जज्बा जैसे दुनिया की किसी कठिनाई से डर नहीं लगता, ऐसा जज्बा जो रास्ते में आए किसी भी पत्थर को मील का पत्थर बना दे। ऐसे ही हौसले और जज्बे की कहानी हमें देखने को मिली फरीदाबाद के यूनाइटेड वुमेन्स फुटबॉल क्लब में। फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसे खेलने के लिए स्ट्रेंथ के साथ साथ जबरदस्त स्टैमिना की जरूरत होती है। शायद इसीलिए ये माना जाता है कि इस खेल को सिर्फ लड़के ही अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन मैदान में खेलती इन लड़कियों ने ये साबित कर दिया कि लड़कियां किसी मायने में लड़कों से कम नहीं है। मैदान में खेलती बॉबी, रजनी, अंजलि, सोनी और सीता से आज हम आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि किस तरह से ये फुटबॉल खिलाड़ी अपने सपनों को साकार करने में जी जान से जुटी हैं। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है कि सपनों की उड़ान में सरकार का भी अहम योगदान रहा है। वर्तमान सरकार ने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं, जिनमें 22 जनवरी 2015 में चलाई गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अति महत्वपूर्ण है। हरियाणा जैसे राज्य से इस योजना का उद्घोष स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के विकास में महिलाओं के योगदान से भली भांति परिचित है, तभी तो देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्होंने कई सराहनीय कदम उठाए हैं। इतना ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री सदैव ही बेटियों को प्रोत्साहित करते नजर आते हैं। सरकार द्वारा चलाई गई ऐसी ही योजनाओं के बलबूते आज बॉबी, रजनी, अंजलि, सोनी और सीता जैसी तमाम खिलाड़ी आज अपने सपनों की उड़ान भरने में समर्थ दिखाई देती है। कुछ ऐसा ही मानना है गवर्नमेंट स्कूल की फिजिकल एजुकेशन टीचर निशा जी का। निशा जी बताती हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों के बच्चे ज्यादातर निम्न आय वर्ग से आते हैं, इसलिए सरकार खुद ही इन प्लेयर्स की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करती है। निशा जी का कहना है कि अपने स्तर पर ये हर बच्ची को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करती हैं। मैं भी जो टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में ही हूँ, पीटी टीचर हूँ। आजकल प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रखा है, जिसमें कि बेटियों को ही ऊपर उठाया जा रहा है। डिपार्टमेंट जो है, जब लड़कियाँ गेम खेलने के लिए जाती हैं तो उनको ट्रैक सूट किट वगैरह जो है वो
हमारे AEO सर की तरफ से दी जाती हैं, DO ऑफिस की तरफ से बच्चों को दी जाती हैं, और उनके जो जाने आने का प्रबंध किया जाता है, जिससे के लिए बस का कंसेशन वगैरह, हरियाणा रोडवेज़ की बस का वो सारा अरेंजमेंट जो है वो लोग कराते हैं, और इनका जो रिफ़्रेशमेंट वगैरह होती है उसके भी पैसे वगैरह, या बच्चों को पूरी रिफ़्रेशमेंट दी जाए, वो सारा चीज़ हमारी जो है डिपार्टमेंट ही दिया जाता है। दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बातचीत कर रहे हैं फुटबॉल के ऊपर। जी हाँ, और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में भी बहुत खास मेहमान मौजूद है। मेरे राइट पर है वो छोटे बच्चे, वो नौजवान बच्चे जिनसे आज हम आपकी सबसे पहले मुलाकात कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन माई राइट हैंड इज अ नेशनल लेवल प्लेयर बॉबी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉबी। और उनके बगल में है एक स्टेट लेवल प्लेयर फुटबॉल के अंदर, जिनका नाम है रजनी। नमस्कार। नमस्कार। और उनके साथ, उनके बगल में एक और बहुत खास मेहमान मौजूद है, जो कि है अंजलि, खुद भी एक स्टेट लेवल प्लेयर। गुड इवनिंग, नमस्कार। और फाइनली हमारे आज की चौथी मेहमान, जो कि फुटबॉल के साथ पिछले कुछ वर्षों से खुद जुड़ी हुई है, जिनका नाम है यहाँ पर सीता। नमस्कार। नमस्कार। वेलकम एंड अ वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन आप सबका यहाँ पर। इससे पहले कि हम बातचीत आगे शुरू करें, सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगी हमारे पहले गेस्ट से, जिनका नाम है सबीना शेख, जो कि है फाउंडर ऑफ द यूनाइटेड वुमेन्स फुटबॉल क्लब की। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। उनके साथ हमारे बगल में यहाँ पे वहाँ बैठे हुए हैं, वो हैं SP मंडल जी, जिन्होंने खुद भी ये को फाउंडर है इसी क्लब के। नमस्कार। और उनके बगल में आप देख सकते हैं राहुल पराशर, जो कि है टेक्निकल एडवाइज़र। नमस्कार। और फाइनली हमारे आज के फाइनल मेहमान, जो कि हैं एंथनी फारिया, जो खुद भी एक को फाउंडर है इसी क्लब के। नमस्कार सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, एक और बहुत खास मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, जो कि है हमारी आज इन स्टूडियो ऑडियंस। वेरी वार्म वेलकम, नमस्कार आप सबको। वेल, आई थिंक थोड़े से एनर्जी भी हो जाए यहाँ स्टूडियो के अंदर। वी हैव सच पीपल इन द स्टूडियो एंड दैट फील्स गुड, वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी मिलती है दोस्तों जब मैं देखती हूँ ऐसे नौजवान बच्चे, खासतौर से महिलाएं या लड़कियां, जब स्पोर्ट्स के अंदर आगे उभर कर बढ़ कर आती हैं। फुटबॉल की हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि फीफा अंडर 17 फुटबॉल इस समय चल रहा है, और पहली बार हो रहा है जब भारत फीफा को होस्ट कर रहा है। एक बहुत बड़ा स्टेप रहा टुवर्ड्स प्रमोटिंग फुटबॉल अक्रॉस द ग्लोब ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बाय इंडिया, एंड दैट इज द रीजन वी सी यंग पीपल लाइक देम ओवर हियर इन द स्टूडियोज टुडे। चलिए इस बातचीत को शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं बात करूंगी बॉबी से। मेरे पापा जी मेरे भाई को लेके गए थे साथ कि चल मैं तुझको किसी गेम में डाल देता हूँ, तो पापा को बोला कि मैं चुनू, कहते हैं चल ले। आप बहुत यंग लड़की हैं अभी, मैं कहूँगी यू आर जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड और 18 ईयर्स ओल्ड, 17-18 साल के आप हैं। तो एक बताइए, इस क्लब के अंदर, यूनाइटेड वुमेन्स फुटबॉल क्लब के अंदर आपने दाखिला कैसे किया, हाउ ये क्लब कैसे आपकी ज़िंदगी में आया? मैम अपने नन्हे से नीमू को लेके आती थी, अपने बेटे को लेके आती थी साथ। मैम ने मुझे देखा कि एक ही लड़की है जो प्रैक्टिस कर रही है, बॉल से लेके आ रही है भाग के, बॉयज़ उसके साथ जाए यहाँ से मत खेल यहाँ पे, अगर देखो हम खिलाएंगे, बॉल लेके आ, जूते लेके आ, हरी बॉटल लेके आ, ये ले टी शर्ट ले हमारी पसीने की, धोखे लानी है देखो कल। कहाँ ठीक है ठीक है। मैम ने मेरे को देखा कि आप कहाँ से आते हो, मैंने कहा मैम बड़कल मोड़, कह रही आपके साथ और कोई लड़की नहीं है, मैंने कहा नो मैम, कहते ठीक है अब आज से हम टीम खड़े, अपना टीम बनाएंगे, मैं तेरे लिए टीम खड़ी करूँगी। मैंने कहा मैम प्लीज़ मैम मुझे खुद अपनी खुद की टीम चाहिए, क्योंकि ये टीम का गेम है, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो मैम ने बहुत मतलब हम पूरे फरीदाबाद में कम से कम 20 या 25 स्कूल में गए थे, मैं कहीं से भी एक भी लड़की नहीं मिली। तो मैम ने कहा कि जिस स्कूल में तू है हम उधर ही बात करते हैं। मैंने स्टार्ट करा वहाँ पे, फिर हम मैंने लड़कियों से बात करी कि आप आओ यार, तो कह रहे कैसे, मैंने कहा फुटबॉल खेलेंगे, कहते फुटबॉल क्या कैसे होती है फुटबॉल, मैंने उनको बताया ये है वो है, आओ। फिर मैम ने सारा टीम, फिर आने लगे सारी लड़कियाँ, धीरे धीरे करके टीम बन गई मेरी, कम से कम
55 देन 65 के आसपास लड़कियां हो गई थी मेरे पास। 65 लड़कियां आपके साथ जुड़ गई फुटबॉल के अंदर। और आप फरीदाबाद से आती हैं ना? यस मैम। 18 साल की आप अभी हैं। इतनी छोटी उम्र में आप नेशनल लेवल तक खेल चुकी हैं। नेशनल लेवल तक का सफर कैसा रहा? कैसे आपने एक एक करके पायदान पार किए और नेशनल तक खेला आज? मेरे को सारा टेक्निक मैम ने बताया था कि अगर तेरे को सच में ही फुटबॉलर बनना है तो तेरे को मेहनत करनी होगी सुबह शाम। तेरे को अपना मेहनत करनी पड़ेगी, डाइट लेना सबसे पहले। तो अगर डाइट नहीं होगा तो तेरा नहीं खेल सकती। नहीं बिल्ड होगा फिजिकल स्टैमिना जो चाहिए। तो मैंने कहा यस मैम, बस आप मुझे बताओ कि मुझे करना है क्या। कहती है रनिंग कर, ये सब कर। लेके बताया, फिर मैंने ट्रायल दिए अपनी टीम के साथ। मेरी पूरी टीम गई थी, अम्बाला गए थे हम खेलने। तो वहाँ पर देखा तो कोचिस ने देखा, आप जॉब करा कि हाँ एक है इसका थोड़ा गेम। तो फिर मेरा नेशनल खेला 2014 में खेला था। वाओ। और अभी 2017 में होमलेस वर्ल्ड कप खेला था नॉर्वे में। ब्यूटीफुल। तो हम इसकी बातचीत आपसे करेंगे, ये अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं थोड़ी सी झलक बॉबी की, उन्हीं की जुबानी जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देखेंगे। ये है बॉबी जो नेशनल लेवल तक खेल चुकी है। बॉबी का फुटबॉल के प्रति ये जुनून उस वक्त जागा जब उन्होंने फेमस फुटबॉल प्लेयर मेसी को टीवी पर खेलते हुए देखा। उस वक्त बॉबी मेसी का नाम तक नहीं जानती थी, लेकिन मन में ये ठान लिया था कि इन्हें यही गेम खेलना है और इसी खिलाड़ी की तरह खेलना है। बॉबी के लिए ये राह आसान नहीं थी क्योंकि इस गेम को खेलने वाली लड़कियां आसपास नहीं थी। बॉबी अपनी उड़ान भर रही हैं क्योंकि बॉबी के इस सपने को साकार करने में उनके पिता उनका पूरी तरह साथ देते हैं। बॉबी नॉर्वे जाकर होमलेस वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं। बॉबी कहती हैं कि अपने देश के लिए खेलना गर्व की बात है। मेरे पापा सुबह 4 बजे उठा देते मेरे को, उठ जा, नहीं मुझे नहीं उठना, अरे उठना, अरे नहीं मुझे नहीं उठना, अरे उठ जा, दौड़ना है तेरे को। मैंने कहा थोड़ा ठीक है। खुद साइकिल चलाते थे और मुझे आगे दौड़ा देते। एक हाथ में डंडी होती थी, थोड़ा सा रुक जाऊँ, भाग क्यों नहीं भाग रही है, पापा पैरों में दर्द हो रहा है, अरे भाग ना, थोड़ा और भाग, बस हो गया, भाग भाग, कंप्लीट हो गया, भाग बस। फिर रनिंग कराई सुबह, एक्सरसाइज, मसल्स पेन होते थे खुद ही दबाते थे, तेल लेके सूते थे, पैर कहाँ दर्द हो रहा है बता मुझे। और खाना कूद जाते, सारे तो जाते थे घर में, भाई बहन उठाते थे, उठ चल दूध पी ले, एक गिलास रह गया, नहीं पापा मेरे को नहीं पीना, अरे पीना कोई नहीं, सब सो गए, ठीक है। अलग से चिकन बनाते थे, एक कटोरी रखते थे, सब सो जाते थे, कोने में ले आते थे, खिलाते थे, इले बैठ के खा, अभी जा, अभी दो दो अंडे देते हैं, दूध देते हैं। यहाँ से जाने के बाद, काम वाम करने के बाद मेरे को कहते हैं पेन हो रहा है कहीं, मैंने कहा नहीं, कह रहे हो बता मुझे, मैं तेरे पैर दाब देता हूँ, सुबह उठना है तुझे, उनका ठीक है पापा, फिर स्टार्ट करा। बॉबी अपनी उड़ान भर रही हैं क्योंकि बॉबी के इस सपने को साकार करने में उनके पिता पूरी तरह उनके साथ हैं। मेरा नाम फतेह सिंह है जी, पप्पू टायर सर्विस के नाम से मेरी ये शॉप है छोटी सी फुटपाथ पर। ये मेरी बेटी है जी बॉबी रावपल, ये 5 साल पहले वोमेन फुटबॉल क्लब की तरफ से मैम ने जो है इसको कोचिंग देनी शुरू करी जी, और बहुत अच्छा खेलती है मैम जो खिलाती हैं इन्हें, और अपना नेशनल भी खेली है, स्टेट भी खेली है, नेशनल में गोल्ड मेडल भी है जी इनका। और अभी मैम ने जो है बाहर नॉर्वे इनको वर्ल्ड कप खेलने के लिए, होमलेस वर्ल्ड कप खेलने के लिए जो है इसका सिलेक्शन हुआ जो, वहाँ खेलने के लिए गई और वहाँ से इनकी टीम जो है 7th पोजीशन पे आई जी। और यही मेरा काम है जी, फुटपाथ पे पेंचर लगाता हूँ, और बेटी है, सारी बेटियाँ मैं कहूँगी अच्छी से खेलें, सभी माँ बाप अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएँ, और बहुत अच्छा खेला है मैंने तो, सभी जो अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से खिलाएं पिलाएं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये तो थी बॉबी रावपल हरियाणा से, और इनकी बातचीत अब हम करेंगे सबसे पहले सबीरा शेख। सबीरा जी, आपने यूनाइटेड वुमेन्स फुटबॉल क्लब पूरी शुरुआत करी, मुझे पूरी यकीन है और उम्मीद है, यही मैं जानती हूँ कि इसकी शुरुआत आसान नहीं रही होगी, सफ़र अभी भी आसान नहीं होगा। आप फुटबॉल को भारत के अंदर प्रमोट कर रही हैं, ऐसे ऐसी जगहों से बच्चे लेकर आ रही हैं जहाँ पर वो अपने लिए अपना सामान खरीद भी नहीं सकते हैं, लेकिन आप उनको उनकी काबिलियत पे पहचान रही हैं। ये सफ़र शुरू कैसे किया आपने? मैम जैसे बॉबी ने बताया कि वो अकेले फुटबॉल खेल रही थी,
मैं अपने बच्चों के लिए स्टेडियम जाया करती थी कि मेरे बच्चे स्पोर्ट्स में रहे जी. एंड मैंने वहाँ देखा था, ये 12 साल की थी उस समय और शी वॉज प्लेइंग अलोन, अकेले खेल रही थी बॉयज के बीच में और उसके साथ में ट्रीटमेंट सही नहीं होता था, लाइक एज ए एक दूसरे बॉयज के जैसा उसको प्लेइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी. तो मैं उसके साथ काउंसलिंग करती थी कि ये शायद अगर प्लेयर बनना चाहती है तो शी कैन ऑप्ट कोई सिंगल स्पोर्ट्स, जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है तो वो रेस या एथलेटिक या जिमनास्टिक ये सब ज्वाइन कर ले. पर जब इससे मैं बात करती, ये बहुत पैशनेट थी फुटबॉल खेलने के लिए और इसका फुटबॉल स्किल भी अच्छा था एज कम्पेयर टू, क्योंकि वो सिर्फ जस्ट 12 ईयर्स की थी. तो मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि एक लड़की को अगर खेलना है तो उसके साथ उसकी अपनी टीम होनी चाहिए. अगर वो गर्ल इन्हें टीम स्पोर्ट्स में आना चाहती है तो उसके साथ और भी लड़कियां होनी चाहिए खेलने के लिए. तो हमने आसपास में पहले स्टेडियम में ही बात करना शुरू किया, गर्ल्स से, पेरेंट्स से भी बात किया, पर फुटबॉल ग्लैमरस गेम नहीं लगता था वहाँ. हाँ. पे सिर्फ ग्लैमरस गेम के लिए गर्ल्स आती है ज़्यादातर और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में ही ज़्यादातर आती है. लेकिन ये फिर हमने जब रियलाइज़ किया, 5-6 महीने ऐसे ही गुजर गए, पर मुझे लगता था कि हर बार मैं जब भी घर में होती और सोचती तो मुझे लगता कि वो बच्ची के लिए एक टीम ज़रूर करना चाहिए. तो हमने स्टार्ट किया लोगों से बात करना, स्कूल्स में जाना और गर्ल्स को कन्विंस करने की कोशिश करें. लेकिन गर्ल्स के तक रीच होना भी बहुत मुश्किल बात थी क्योंकि स्कूल्स हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते थे गर्ल्स से बात करने के लिए. फिर जब मैंने इससे पता किया कि ये कहाँ पढ़ती है तो इसने कहा कि ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, ओल्ड फरीदाबाद. फिर हमने इसके स्कूल में पिच करना शुरू किया और हमें नंबर ऑफ टाइम्स अटेम्प्ट करने के बाद में वी गॉट द अपॉर्चुनिटी कि हम स्कूल में बच्चों के साथ काउंसलिंग कर सकें. तो असेंबली में हमने बच्चों को अनाउंसमेंट दिया. तब हम लोग एक प्लान के साथ गए थे कि हम जो भी कोचिंग देंगे और जो भी फैसिलिटीज़ देंगे वो सारे बच्चों को फ्री होगी एंड दे शुड कम एंड प्ले ज्वाइन अस. तब जाके मुश्किल से पहले ऐसे 4 या 5 गर्ल्स आई, फिर वो 5 से 10 हुई. नहीं, इतनी कम बच्चे भेजे कि बच्चों का खुद से ही कभी इतना रुझाव नहीं रहा कि मैम. पहली बात तो जब हम बात करते थे तो जो लोग अवेयर है फुटबॉल के बारे में या जानते हैं उनके वो बच्चे या उनके पेरेंट्स को फुटबॉल कोई कैरियर ऑप्शन लगता ही नहीं है, वो जाना ही नहीं चाहते हैं. लेकिन ये बच्चे तो अवेयर ही नहीं थे, दे डोंट नो इवन फुटबॉल कोई गेम होती ये भी नहीं पता था. तो ये तो कन्विंस करने की बात अलग हो गई कि आप फुटबॉल ऑप्ट करें. तो ये बच्चे जब हमने बात की तो ये सिर्फ सुन लिए. लेकिन जैसे कि बॉबी ने इस बीच में, जैसे बॉबी एथलेटिक में भी हमने इसके लिए ट्राई किया था तो ये कुछ मेडल्स वगैरह लेके आई. जब इसकी असेंबली में अनाउंसमेंट होती है कि शी गॉट सम ऐसे, इसने मेडल लिया है, ये विनर है, तो कुछ बच्चे मोटिवेट उससे भी हो गए कि हाँ उन्हें भी स्पोर्ट्स ऑप्ट करना चाहिए. फिर जब हमने ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप अगर ग्राउंड पे आओगे तो आपको कन्वेंस भी देंगे हम लोग और आपको फुटबॉल कोचिंग फैसिलिटी देंगे, किट देंगे, आप आओ खेलने, तब ये बच्चे जैसे आना स्टार्ट किए. फिर 4 से 10, 10 से 20 ऐसे होने लगे और धीरे धीरे एक मतलब स्ट्रक्चर तैयार होने लगा. एक्चुअली ये कोई प्री प्लान्ड और ये सब चीज़ें नहीं. हाँ, थी एक एक दिन करके एक. हाँ, जैसे जैसे हमें जो नीड महसूस हुई उस तरीके से ये हुआ, रियलाइज होते गया और ये हमारा फाउंडेशन बना. तो आज एक लड़की जो है बॉबी, वो इंस्पायर होकर आज फरीदाबाद में एक विमेन फुटबॉल का एक काफ़ी बड़ा क्लब हो गया है. और हम इसलिए क्लब बोलते हैं क्योंकि इट्स अ गैदरिंग फॉर द गर्ल्स एंड ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स, जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स ही फुटबॉल खेलेगी. सही बात है. तो हमने जी जी, लेकिन ये बात मैं आगे मंडल जी से भी पूछूंगी बिकॉज आप दोनों ने इस क्लब की शुरुआत एक साथ करी, आपको फाउंडर है इस क्लब के. जब आप लोग ने इस क्लब की शुरुआत करी थी कि आप लोगों ने सोचा था ये ऑल वुमेन या ऑल गर्ल्स क्लब ही होगा कि ये भी था कि ये बॉयज़ का भी क्लब बन सकता है? No, actually our society is mainly male dominated. Even the kid, boy kid, from the very beginning, they know, they are aware of that they are boy. So they always, they used to dominate in all fields. So वहाँ पे girls, they are only for granted, या if they are allowed, so they can play. तो उस केस में हमने, तो मैम ने एक्चुअली सोचा, एक्चुअली दैट टाइम आई वॉज इन अल्जीरिया. एक्चुअली आई एम बाई प्रोफेशन आई एम इंजीनियर.
तो शी यूज़ टू से दैट आई एम एक्चुअली शी इज ऑल्सो इंजीनियर एंड नेशनल प्लेयर इन वॉलीबॉल एंड दैट टाइम शी यूज़ टू से दैट आई एम एलोन आई एम फीलिंग एलोन एंड यू आर आई मीन रोमिंग हेयर एंड देयर देन मैंने उसको बोला इनको बोला मैंने जस्ट यू गो फॉर योर वॉलीबॉल एंड दिस थिंग्स तो फिर उन्होंने वॉलीबॉल देखा सब कुछ देखा लेकिन बाद में उनको लगा क्योंकि शी हैज़ वन फीलिंग दैट शी वॉज नॉट अलाउड टू प्ले फुटबॉल इन हर टाइम बिकॉज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स एंड लॉट ऑफ कंजर्वेटिव इशूज एंड बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर एंड नाउ शी व्हेन शी एज शी टोल्ड दैट शी हैज़ सीन बॉबी वॉज प्लेइंग नॉट अलाउड एंड दिस थिंग्स दैन इट रियली टच्ड हर हार्ट एंड देन शी थॉट दैट देयर शुड बी ओनली क्लब फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स सो दैट बट लेटर स्टेज बॉय यूज टू कम यूज टू से दैट मैम ऑल्सो डू समथिंग इवन माई सन ही सिटिंग देयर ही हैज सम कंप्लेन दैट मम्मी यू आर डूइंग ओनली फॉर गर्ल्स नॉट फॉर बॉयज वेल आई थिंक लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज देयर इज अ लॉट दैट्स हैपनिंग इन फैक्ट स्पोर्ट्स को आज भी अगर हम एसोसिएट करते हैं तो लड़कों के साथ करते हैं लेकिन अब एक बदलाव आ रहा है जो हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि लड़कियाँ उभर के स्पोर्ट्स में आ रही हैं राहुल जी मैं आपसे पूछूंगी आप इस क्लब के एक टेक्निकल एडवाइज़र हैं आपके सामने बच्चे आते हैं छोटी छोटी जगहों से उभर कर ये लड़कियाँ निकल रही हैं इनको गाइड करना इनको मेंटोर करना इनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना कितना मुश्किल होता है मुश्किल से ज़्यादा एक इट्स अ काइंड ऑफ लर्निंग एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ लर्निंग फॉर मी फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ दिस क्लब आई यूज्ड टू गो देयर जस्ट फॉर रनिंग दैट्स इट दैट वाज अ ऑफ सीजन फॉर मी और वहाँ पे एकदम से 100 लड़कियाँ एक साथ मेरे को दिखी खेलते हुए तो इट्स रियली अट्रैक्ट मी वेरी मच एंड आई जस्ट वेंट टू हर एंड आस्क हु इज टेकिंग केयर ऑफ दिस गर्ल्स तो तब मुझे ये सब पता लगा आई नेवर नो दिस रजनी एंड बॉबी और नोबडी एल्स बट यू नो द एंथुजियाज्म ऑफ सबीरा एंड मिस्टर मंडल एंड अपार्ट फ्रॉम दीज किड्स द काइंड ऑफ यू नो पैशन दे शोन देयर दैट मेक मी यू नो फील ओके लेट्स गो एंड जो नॉलेज मेरे पास है लेट्स यू नो शेयर विद देम यस इट्स ट्रू दिस दैट कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग सीखना शुरू करते हैं 14 साल में 16 साल में जबकि होना चाहिए 6 साल में 4 साल में हाँ बचपन से पर ये चीज मैंने यहाँ देखा कि सबीरा इज एक्चुअली ट्राइंग टू डू दैट वहाँ 8 साल के बच्चे भी आते हैं 10 साल के बच्चे भी आते हैं और ऑफ कोर्स हर इनका है जिनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला इट्स नॉट कि मेरे को कुछ सिखाने को मिला मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला पेशेंस धैर्य कैसे लाना है क्योंकि एक 8 साल के बच्चे के साथ कैसे डील करना है इट्स नॉट एन इजी थिंग बिल्कुल भी आसान नहीं होता है हाँ एंड द वे शी इज डूइंग इट्स गुड वंडरफुल शी वाज 12 ईयर ओल्ड व्हेन शी स्टार्टेड आप बॉबी की बात कर रहे हैं हाँ जी एंड नाउ शी इज 18 18 साल की होगी 6 साल का जुड़ाव उनकी मेंटोरशिप के नीचे मींस देयर आर मींस मेनी थिंग्स एंड ऑफ कोर्स शी हैज अ गुड टैलेंट बहुत बड़ी चीज और बहुत काबिले तारीफ कन्विंस करने के लिए और हमने एक्सक्लूसिवली गर्ल्स इसलिए भी किया था क्योंकि जब हम लोग हमने स्टार्टिंग में बॉयज के साथ प्ले को स्टार्ट किया बट हमारे हमने ये रियलाइज किया कि बॉयज को डोमिनेंस ज़्यादा है वी डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी तो हमने अपना सेपरेट स्टार्ट किया कि हम सेपरेटली ही काम करेंगे गर्ल्स के लिए इसलिए एक्सक्लूसिवली गर्ल्स के लिए फुटबॉल स्टार्ट दैट्स वेरी कमेंडेबल इनफैक्ट मैं एंटनी जी से पूछूंगी आप खुद भी एंटनी जी इस क्लब के साथ तब से जुड़े हुए हैं जब से ये क्लब स्थापित हुआ है एंड बहुत लंबा एसोसिएशन आपका भी रहा है इन बच्चों को आपने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा है एक जज्बा एक जुनून देखा है फुटबॉल के साथ इन बच्चों के साथ आपका जुड़ाव आपका ये संबंध ये रिश्ता कैसे बढ़ता चला है इतने वर्षों में ये शुरू में ही है जैसे 2013 में सो आई यूज टू हैव माई ओन फुटबॉल टीम द सो हमारा गेम होता रहता था लेकिन साइड में इन लोगों का भी गेम होता है योर ओन फुटबॉल टीम हां यस दैट टाइम इवन नाउ आई एम हैविंग माय ओन फुटबॉल टीम सो मैडम ने अपने टीम के साथ उधर प्रैक्टिस चल रहा है इसमें मंडल साहब भी उनको कोचिंग दे रहे सो मैंने सोचा व्हाई डोंट आई जॉइन देम बिकॉज नोबडी वाज देयर टू गिव देम कोचिंग नथिंग एंड मैडम डज नॉट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट फुटबॉल So she is to be a volleyball player. I thought, why don't I join and give some expertise, whatever I know. I shared with them and all these small girls, now even they respect me.
in the same way because they used to get something out of me. Yeah, but बहुत important सवाल पर उठता है दिमाग के अंदर because आप सब इस club के साथ तब से जुड़े हैं जब से बनाए. You founded it, आप भी equally आप लोग उतने involved रहे. बिल्कुल. How do you go about training इन बच्चों को? Because इनको जब सिखाना पड़ता है तो how do you train the kids when it comes to learning the nuances, the technicalities of the sport? वो कैसे आप करते हैं? That is very important because you know how to start with, where to start. And what are the things we are to teach them? Mm. So that time nobody used to do any warm up exercise initially. Mm. Seedha gaya, khel liya, chala gaya. Lekin we made a system. Shuru mein kya hona hai? I told them a player should be disciplined on the ground and off the ground. That was the main thing. First thing I told them. So a player ko dur se nazar aana chahiye. Ek player hai, football player hai, cricket player hai, whatever you are playing. ग्राउंड में खेल लिया, बाहर खड़ा होके कुछ गालियाँ दे दिया, कुछ लोग लड़के लोग सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे, दैट इज़ नॉट अ प्लेयर, ही कैन नॉट बी अ प्लेयर. आई टोल्ड देम डिसिप्लिन इज़ द फॉरमोस्ट थिंग. इसके बाद जो भी करो, अपने आप जो भी बोलेंगे अपने, टेक दम इन टू देयर हार्ट. सो वी स्टार्टेड विथ वार्मिंग अप एक्सरसाइज एंड फिजिकल स्किल्स एंड ड्रिबलिंग किकिंग आउट दिस सीधा. आई स्टार्ट विथ शी विल बी टेलिंग यू हाउ शी स्टार्टेड. She never used to kick a ball. She used to afraid of kicking a ball. Shoot कभी नहीं लेती थी. अभी ये shoot लेती है, goal मारती है. Today I think आप सीता की बात कर रहे हैं, right? Yes. So I used to be in the very beginning with them, and there and whatever I used to know, I used to share with them and make them understand how to do. Choti-choti nuances, right? And not big ones. So smaller things I made into their heart. Right. And they used to take into their heart and used to practice in that way. Of course, it's a young age. बच्चे सीखते हैं और सीख के आगे बढ़ते हैं. हम अगले बच्चे की ओर बढ़ेंगे. हम अभी तक आपको बता रहे थे बॉबी के बारे में. लेकिन अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे एक दूसरी इंस्पिरेशन से. जस्ट अ यंग गर्ल ऑफ 17 ईयर्स, 17 साल की है ये, लेकिन स्टेट लेवल पे खेलने लगी है. हम बात कर रहे हैं हमारे दूसरे मेहमान के आज स्टूडियो में, जो कि हैं रजनी. इस बात का दुख नहीं था, मेरे पैर टूट गया. इस बात का था कि शायद मैं नहीं खेल पाऊँ. मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं शायद कभी भी नहीं खेल पाऊँगी. रजनी, अगर मैं आपसे बातचीत शुरू करूँ, यू हैव गॉन थ्रू एक बहुत सारा एक्सपीरियंस जिंदगी में. पिछले साल आपके दोनों पैरों में चोट लग गई जिसकी वजह से आपके घुटनों में फ्रैक्चर हो गया. उसके बावजूद 3 महीने के अंदर आप अपने पैरों पे वापस खड़ी हुई और आपने कहा मैं इस खेल के अंदर खेलूंगी. हमारे दर्शकों को, खासतौर से जो बच्चे आज आपको देख रहे होंगे, आप एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है. उनको बताइए कि इस दौरान से आपने अपने आपको कैसे निकाला. लास्ट ईयर मेरे फ्रैक्चर हो गया था पैर में और फिर मेरा ऑपरेशन हुआ. तो डॉक्टर से जब मेरे फ्रैक्चर हुआ था उस टाइम पे काफ़ी मेरे क्लब के बच्चे रो रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था. लेकिन ना मुझे दुख तो अंदर से इस बात का ज़्यादा हो रहा था कि मैं खेलूँगी कैसे, शायद मैं खेल नहीं पाऊँ. इस बात का दुख नहीं था, मेरे पैर टूट गया. इस बात का था कि शायद मैं नहीं खेल पाऊँ. मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं शायद कभी भी नहीं खेल पाऊँगी. फिर मेरा ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने पहले तो मना कर दिया था कि तुम नहीं खेल सकते. फिर जब ऑपरेशन हो गया, फिजियो के पास मैं डेली जाती थी. फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करती थी. फिर पूछा फिजियो से तो उन्होंने बोला कि 1 साल तक तुम बॉल टच भी नहीं कर सकती हो. बहुत दुख होता था कि नहीं कर सकती. फिर धीरे धीरे करके ये मेरे घर पे डेली मेला सा लगा रहता था बच्चों का, हमारे क्लब के लड़कियों का. डेली मेरे घर पे आती थी, देखती थी, बहुत मोटिवेट करती थी. मैम आती थी. फिर 15 से 20 दिन मेरे थेरेपी होती रही. फिर उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे चलने लगी, वॉकर से चलने लगी. और फिर जब मैं प्रॉपर अपने पैरों पे चलने लगी, फिर उसके बाद फिर गर्ल्स और मैम ने मुझे ग्राउंड पे बुलाया कि हल्की हल्की एक्सरसाइज करने के लिए. फिर मैं गई. जब मैं फर्स्ट डे जब मैं ग्राउंड के अंदर उतरी तो मैं अपने आप कांप रही थी. मुझे बहुत डर लग रहा था. इवन बॉल जब एयर में देख रही थी तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. बॉल को देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि वापस से कहीं चोट ना लग जाए, वही समय जो हुआ बीता. लेकिन आज अगर पूछो 1 साल हो गया, अब डर लगता है कोई? नहीं, अब कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं होती. फिर से कोई हड्डी टूटे तो कोई डर नहीं है? नहीं, अब कोई खेल के साथ सब कुछ चलता है. लेकिन खेल के लिए खेलना है जिंदगी में. बट फुटबॉल हुआ कैसे आपकी जिंदगी में, कैसे शुरुआत हो गई स्पोर्ट की? फुटबॉल मेरी क्लास की मेरी गर्ल्स खेलती थी, मेरी फ्रेंड्स खेलते थे.
तो जब वो खेल के आती थी या कोई मैच खेल के आती थी तो उनके पास सर्टिफिकेट होते थे, तो वो मुझे दिखाती थी, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुशी होती थी और मेरा भी मन करता था कि मैं भी खेलूं। तो मैं अपनी फैमिली वालों से नहीं पूछती थी क्योंकि मुझे डर लगता था कि वो एग्री नहीं करेंगे, नहीं वो नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे गर्ल्स को खिलाते नहीं हैं, बाहर भेजना बिल्कुल अलाउ नहीं है ये सब। तो जब वो डेली डेली दिखाते थे, वो बताते थे प्रैक्टिस के बारे में बताते, तो मेरी भी इच्छा करती थी खेलने की। फिर एक दिन मैंने पूछ लिया अपनी फैमिली से कि मैं जाऊँ खेलने, पहले तो उन्होंने मना किया, पर फिर मैंने बाद में उनको समझा, मैं अपने फ्रेंड्स की बातें बताती थी, वो खेल के आती है, बाहर से आती है सर्टिफिकेट, फिर उन्होंने मुझे बोल दिया कि हाँ जा खेल। फिर मैं ग्राउंड पे आई, देखा वहाँ पे और भी गर्ल्स हैं, फिर उनके साथ खेला, प्रैक्टिस करी, अच्छी लगती थी। ग्राउंड बोल रहे हो, कौन सी ग्राउंड की आप बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं सेक्टर 12, मतलब यही वाला क्लब जिसमें आप खेलते हैं? हाँ, मतलब आपका पहले से ही जुड़ाव सीधे सीधे इस क्लब के साथ ही हुआ। और कितने साल हो गए आपको करते हुए? अब मुझे 4 साल हो गए। तो आप बता रहे थे कि जब आप पहली बार ग्राउंड पर गए, आपने देखा लड़कियों को खेलते हुए, उसके बाद गर्ल्स को खेलते हुए देखा, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था क्योंकि वो गर्ल्स का क्लब था, वहाँ पे लड़कियाँ थी, तो फिर मैंने खेलना स्टार्ट किया वहाँ पे, फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट लेवल पे गई, और अब मेरा नेशनल स्कॉल टूर्नामेंट में नेशनल में सिलेक्शन हुआ, और मैं अभी IWL भी खेल रही हूँ, इंडियन वुमेन लीग। ब्यूटीफुल। लेकिन एक बहुत अहम सवाल ये उठता है कि आपके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो चुका है, बहुत यंग एज पे हुआ है, आप फुल्ली हील्ड हो गए हो, लेकिन फुटबॉल एक फिजिकल स्टैमिना का स्पोर्ट है, उस स्टैमिना को बनाने के लिए अपने शरीर में आपकी खान पान कैसे बदला, आज आपको क्या डाइट लेनी पड़ती है? उसके लिए कुछ खास बदलाव नहीं है, अभी भी आप वही खाते हो जो पहले खा रहे थे? हाँ, वो ही खाती हूँ जो पहले खाती थी। मैम ने डाइट वो प्लान डाइट बताती है, डाइट चार्ट होते हैं, डाइट चार्ट दिए हुए हैं कि क्या खाना है क्या करना है, वो हम लेते हैं। बेसिक मतलब दूध अंडा, दूध अंडा, सब्जी, हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स, ये सब, यही बेसिक डाइट के अंदर रहता है। और स्कूल कैसे मैनेज होता है इसके साथ साथ? स्कूल मुझे मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम प्रैक्टिस करनी होती है, तो स्कूल जाने में मुझे टाइम लगता है, कभी कभी मैं लेट हो जाती हूँ, तो उसमें जो टीचर्स होती हैं वो बहुत गुस्सा भी करती हैं। टीचर्स समझते नहीं है, स्कूल समझता नहीं है? जो टीचर्स होती है वो स्पोर्ट्स को इतना वो नहीं करती हैं, बढ़ावा नहीं देती हैं, तो अब मैं खेलती हूँ, मैनेज करना पड़ता है, अब ग्राउंड पे जाती हूँ। इस स्पोर्ट्स से हमें कुछ सीखने को ही मिला है, पहले ये होता था कि एक झिझक सी होती थी कहीं जाने में, बात करने से किसी से, पर अब इससे नहीं है, अब कहीं भी हम अकेले जा सकते हैं, किसी के सामने कॉन्फिडेंटली कुछ भी बोल सकते हैं, और बहुत कॉन्फिडेंस भी मिला है इससे हमें। बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, वेरी वेरी गुड। See, that is what sports does to you. In fact, मैं इस हम आगे अपने यहाँ पे मेहमानों से भी बात करेंगे, हमारे पास आप एक छोटी सी क्लिप भी है जिसमें हम दिखाएंगे यहाँ पर आप ही का सफर आज यहाँ दर्शकों को। चलिए आपको दिखाते हैं रजनी का आज तक का ये सफर। कौन कहता है कि आसमां को छूना मुमकिन नहीं, हौसले बुलंद हो तो आसमां खुद झुक जाता है। ये लाइनें रजनी की शख्सियत को बखूबी बयां करती हैं। शी इज अ वेरी गुड प्लेयर। इसके जो पैर है यहाँ पे दोनों बोन्स, इसकी शिन बोन्स जो है फेबुलर ट्यूबुलर दोनों भी यहाँ पे इस ग्राउंड कंडीशन की वजह से, अनइवन ग्राउंड होने की वजह से, बस पैर मुड़ने की वजह से दोनों बोन टूट गई। रजनी को लगा कि उसके सपने अब कभी पूरे नहीं होंगे, तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी था, लेकिन ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे। क्लब की फाउंडर बताती हैं कि ऐसे में डॉक्टर रैना मसीहा बनकर आए, जिन्होंने रजनी का पूरा इलाज निशुल्क किया। जस्ट बिकॉज ऑफ ए वेरी टाइट सॉक्स शी कुड एक्चुअली होल्ड हर बोन, और हमने इसको जब हॉस्पिटल लेके गए तो वी वेर आस्ट लाइक कि इसका हमें इमीडिएटली ऑपरेशन करना ज़रूरी है टू गेट ऑपरेटेड हर, बिकॉज हर बोन वॉज नॉट ओनली फ्रैक्चर्ड फ्रॉम, और कोई ऐसा क्रैक नहीं, फ्रैक्चर्ड फ्रॉम वन, इट वॉज ब्रोकन इन टू टू थ्री पीसेस, टू पीसेस, थ्री पीसेस, एंड बोथ द बोन्स। तो
तो इस करके इस बच्चे के लिए हमने 15 डेज के कंटिन्यूसली हमने इसको स्पॉन्सर ढूंढते रहे इसके ऑपरेशन के लिए. देन वी गॉट डॉक्टर रैना एंड राज नर्सिंग होम, जिन्होंने दे केम फॉरवर्ड एंड उन्होंने इनका पूरा ऑपरेशन से लेके तो फिजियोथेरेपिस्ट तक सारा अपना खुद के कॉस्ट पे करके दिया थैंकफुली. एंड जस्ट बिकॉज कि शी इज़ अ वेरी गुड प्लेयर और वो अपना परफॉर्मेंस करे, तो ये काफ़ी अरसे के बाद जब ग्राउंड पे वापस आया ये बच्चा, तो शी वॉज लाइक इन डिप्रेशन, बहुत स्केयर्ड थी अपने इस कंडीशन को लेके, बिकॉज शी वॉन्टेड टू बिकम एन आर्मी पर्सन, उसका ड्रीम है. और अगर वो जो है, अगर हम आर्मी पर्सन को एक फिजिकल फिटनेस बहुत मैटर करती है, तो वो उसका एक ड्रीम थोड़ा उसको लगा कि वो शैटर होने वाला है. एंड शी उसका जो एक नेशनल खेलने का अपना ड्रीम था वो भी इसको पूरा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा था. व्हेन शी केम, जब अपने ग्राउंड पे वापस आई, तो पहले दिन ये बॉल टच करने के लिए भी बहुत घबरा रही थी. एंड यहाँ के बच्चे और कोचेस के सपोर्ट से शी इज़ नाउ एबल टू, नॉट ओनली एबल टू प्ले, बट शी इज़ participating in now under 19 SGFI state team from Haryana. So she will be playing in national SGFI tournament this year. और ये बच्चा अभी बहुत अच्छा खेलता है, बहुत मतलब इसने जो changes दिखाए हैं वो बहुत appreciable है. इसके accident की वजह से बहुत सारे boys ने भी game छोड़ा, पर इस लड़की ने बहुत हिम्मत की है अपने आप को वापस साबित करने के लिए, और ऐसे बच्चों की हमें बहुत सख्त जरूरत है. रजनी के साथ हुए इस हादसे से डरकर कई लड़कों ने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया, लेकिन रजनी का हौसला जरा भी नहीं डगमगाया. मैं सब तरह से इसका साथ देती हूँ, मैं इसका, अब हम इसे पूरा सपोर्ट करते हैं. हम चाहते हैं कि जो आज तक लड़कियां नहीं कर पा रही हैं, हम अपनी बहन को पूरा सपोर्ट करें ताकि ये कुछ करे अपनी लाइफ में. और भैया, मम्मी, मतलब पूरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है ताकि ये आगे बढ़े और कुछ कर सके अपनी लाइफ में. बहुत अच्छा लगता है जब ये बाहर जाती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी फैमिली में गर्ल्स ये सबसे ज़्यादा घूमती है, मतलब गर्ल्स में बहुत ही अच्छा लगता है. अगर मन में कोई जज्बा हो तो कोई भी राह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाओ, लक्ष्य आखिरकार मिल ही जाता है. ये है रजनी की कहानी. आइए उनके मेंटोर से यहाँ बात करते हैं. सबसे पहले सबीरा जी, हमने अभी देखा भी, आप बता रही थी हमारे दर्शकों को कितना मुश्किल रहा, सिर्फ उस बच्ची के लिए नहीं, साथ ही साथ आपके लिए भी, बिकॉज़ आप इनके लिए गुरु की तरह हैं. आपने खुद फुटबॉल सीखा ताकि आप इन बच्चों को सिखा सकें. वो दौरान जब इस बच्ची को इतना कुछ देखना पड़ा, उसको इतनी फिजिकली चोट लगी, पैरों की हड्डियाँ टूट गईं, आपने कैसे उनको मोटिवेट किया? हाउ डिड यू गेट हर थ्रू आउट थ्रू ऑल ऑफ दिस? मैम, जब इसका जब बोन टूटा था तो बहुत सारे लोग मतलब डर गए थे. हमें तो कुछ सूझा नहीं. हमने इसे एम्बुलेंस कॉल किया तो एम्बुलेंस नहीं अवेलेबल हुआ टाइमली, तो हमने इसे जो हॉस्पिटल हमें सबसे क्लोजेस्ट लगा वहाँ ले चले गए. एंड द जो एक पेन देखा मैंने, क्योंकि ये राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे शी वॉज हैविंग द ड्रीम कि शी वॉन्टेड टू बी अ गुड प्लेयर, और कंसिस्टेंटली अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखा रही थी, एंड शी वॉज अ जेम फॉर मी उस समय. तो मुझे भी बहुत फील हुआ कि इसका बोन ही टूट गया है. एंड फिर हमें ऑपरेशन के लिए ज़रूरत पड़ी इसकी. एंड हमने इसका सिर्फ प्लास्टर करवा के से घर में रेस्ट पे बेड रेस्ट पे रखा. फिर हमने जैसे जब ट्राई किया फंड रेस करने के लिए और ऑपरेशंस के लिए, तो फिर राज नर्सिंग होम और डॉक्टर रैना सामने आए और बच्ची के सर्टिफिकेट्स देखे. इसने काफ़ी बार स्टेट लेवल पे खेला है, तो उन्होंने फिर इसका ऑपरेशन करवाया. एंड इस बीच में इसका जो साइकोलॉजिकल चेंजेस इसके अंदर था, मेनली मैं इसे लाने और ले जाने हॉस्पिटल के लिए मैं खुद जाती थी ताकि इसकी बोन में कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना आए.
ऑटो वगैरह से, क्योंकि इनके घर का रास्ता बहुत ख़राब है तो कहीं कोई प्रॉब्लम ना, इसलिए हम अपनी गाड़ी खुद ले जाते थे। जब भी मैं इसके घर जाती तो काफ़ी सारे बच्चे, हम पूरे स्पोर्ट्स की लड़कियां आई हुई होती है इसके पास में, और सब लोग इसको मतलब कंपनी देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए होते थे। लेकिन मैं हमेशा इसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट के पीछे भी ना एक दर्द देखती थी कि ये हमेशा अंदर से नहीं क्या मतलब डिप्रेशन में रहती। मैं इसके और इसके फैमिली वालों को भी बहुत ब्रेन वॉश करती रहती कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा और अच्छा ही होगा। फिर जब इसका सर्जरी हुआ एंड इसका सर्जरी हुआ था उस दिन ये सबसे ज़्यादा शायद डिप्रेशन में थी, क्योंकि इसका जो पेन था वो इतना टेरिबल पेन था सर्जरी वाले दिन, और ये इतना ज़ोर से रो रही थी और चीख रही थी, तो ये शायद उसके बाद कमबैक करने के लिए एग्री नहीं हो रही थी। फिर जब ये इसको चलने वाला डे आया कि ये चल सकती है, तो जब इसने घर में वॉकर से वॉक करना शुरू किया तो हमने इसे मोटिवेट किया कि वो ग्राउंड पे आके वॉक करे, ताकि हम लोगों के बीच में आए और उसे हम लोग फिर साथ में ये किए। ये सारे चीज़ ऐसा है ना कि सडनली कुछ नहीं होता है, आपका जो ग्रेजुअली बच्चों के साइकोलॉजी डेवलप होती है और धीरे धीरे, लेकिन फिर भी उसके बाद इसने वापस अपना वो परफॉर्मेंस ले आया एंड शी इज़ रियली बहुत ब्रेव गर्ल है। यस ऑब्वियसली थैंक्स टू हर नेवर गिव अप स्पिरिट, कभी गिव अप करना नहीं सीखा, पल में कमज़ोर हुए लेकिन वापस सी यू टुडे बैक ऑन योर फीट अप एंड रनिंग, एंड ये स्पिरिट हमेशा जिंदगी में होने चाहिए। मैं राहुल जी के पास चलूंगी, आपसे पूछ जी जी 1.2 ऐड जी मंडल, शी इज हैविंग स्टील प्लेट स्टील रॉड इनसाइड हर लेग, बट एट द एंड ऑफ द डे टुडे यू कैन रन, यू फील गुड, सबसे ज़्यादा जरूरी ये है, एंड आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, सो यू प्लेइंग द स्पोर्ट एंड यूल गो हैड टू प्ले इंटरनेशनल ऑल्सो, वी आर श्योर अबाउट दैट। अपनी काबिलियत पर हमेशा भरोसा होना चाहिए। इनफैक्ट राहुल जी आपसे मैं पूछूंगी, सी यू हैव किड्स यहाँ पे, हम सब इतने ज़्यादा आज उम्र में आगे हो चुके हैं लेकिन ये बच्चे अभी बहुत जवान हैं, छोटे हैं, एंड दे गिव अस टेल्स ऑफ इंस्पिरेशन एवरी डे इन आर लाइव्स। जब इतने बच्चों के साथ आप होते हो, और आपने खुद भी देखा, आपने कहा कि इट्स बीन लाइक अ सरप्राइज टू सी दिस क्लब काइंड ऑफ फुटबॉल वुमेंस क्लब कम अप इन द वे इट हैज टुडे आफ्टर ऑल द स्ट्रगल, इनके खाने पीने से लेके इनकी पूरी दिनचर्या कैसे इनको प्लान करना है, स्पेशली कि इनको स्कूल से बहुत बार सपोर्ट नहीं मिलता है, उन सब चीज़ों में इन बच्चों को आप मेंटली स्ट्रांग कैसे करवाते हो, अलॉन्ग विद दैट इवन फिजिकली मैं पूछूं, एप्पेटाइट वगैरह। द थिंग इज आई हैव बीन थ्रू दिस पेन बिकॉज़ आई आल्सो हैविंग अ सेम इंजरी, सो आई नो व्हाट काइंड ऑफ पेन शी हैड, सो द कमेंडेबल थिंग इज शी केम बैक इन 3 मंथ्स, यस, एक साल के लिए बोला गया था डॉक्टर ने, एक साल के लिए बोला था, और 3 महीने में ग्राउंड पे आना इज वेरी वेरी एप्रिशिएबल एक्चुअली, एंड ऑल क्रेडिट्स गोज टू यू नो एंटनी जी एंड सबीर जी, एंटनी जी एवरी एंड दीस किड्स यू नो जी, बिकॉज़ आई नो व्हेन शी केम फर्स्ट टाइम एट द ग्राउंड आई थिंक शी वाज नॉट दैट मच हैप्पी बट दीस किड्स वर हैप्पी टू सी हर, उसके दोस्त मित्र उसे देख के जी, सो दे वर लाइक अ मोटिवेशन फॉर हर। I remember once when she started training and I was talking with Sabira and I was saying that she is still scaring about you know running and everything, and she is a very good sprinter, more than means in our club I think she and one Bulbul is there, they both are very good sprinter, very good runners, and I was shocked ki how we can you know inspire her that she can you know same level she can come to. And the thing is, she came back. She was scared. I talked to her once. कि डर लग रहा है खेलते हुए. तो इसने यही बोला, हाँ डर लगता है. बॉल पे जाने पे डर लगता है. तो मैं इसको एक ही एडवाइस दिया. अगर बॉल पे जाने पे डर लगता है, कोई बात नहीं. बिना बॉल के खेलो. रन करो. जहाँ आपको बॉल पोजीशन होना चाहिए उसमें रन करो. वैसे जाओ. And she did that. And finally, she is in the professional club now. The best thing is, she is in the professional club. And it's a really, she's a inspiring story for everyone. I'm sure. For in fact, United Warriors Professional Club ki aapne agar baat cheet kari hai abhi, to thoda sa hame aaj us club ke baare mein bataye. What is this club and how is it different from the club jo aapne shuru kiya hai? Okay, it's actually the United Warriors Football Club. It's from Punjab. Ji. And the founder is again Sabira. Sabira. Yes. Anji. And it's kind of a pathway for grassroots to the professional level. If you go to Men World, you will see many clubs.
We have more than 20 professional clubs who are playing at elite level clubs. And I am really thankful to All India Football Federation that last year they started Indian Women League. And Shabira has shown some guts to, you know, entered in that league. And this is the IWL league we are participating. And it's a thoroughly professional. Means they are like, they are not just a, you know, kid who was coming from a school and just playing. No, they are pros now. They are now, the category is different. The grassroots level and the state level, national level, school level is different from the professional level. And we actually trying to give them the same way we treat the men's club, you know, their fooding, their training sessions, their coaching staff, everything we are trying to do in a professional level. So they can understand what is exactly is a professional level. Correct. So this is what we are trying. So we came from Punjab. We won the league over there. We won six matches, five wins, one draw. Very good. See, that's how football is coming up to be. Anthony ji, agar main aapse poochu, jo abhi Rahul baat bata rahe the, and jaisa bhi yahan pe Sabira ne bhi and Mandal ji ne bola, you have people coming up in football. Ye ladki aapko dikh rahi aa rahi hai, and jo professional club hai khas taur se isliye banaya gaya to show that there is a progress happening from the grassroots level and you become a professional finally. How much of difference does it go in training these kids at the professional level compared to the grassroots level? Aur uske sath sath kya koi aap log camps wagera bhi organize karwate hain jisme ye log bacche jaate hain hissa lene ke liye? Yes, we are trying for that. So camps were har saal hamare hote rehte. We do keep camps every year, but now the things have changed. We need professional players to coach them professionally. So we are trying to get more professional players and stay with these kids and train them regular base. Now we have got coaches who are not regular, and professional coaches we have to pay them and make their facility to stay with us. So now we are trying for more coaches for girls, professionally trained, and they will be staying with us. So that we are planning, and very soon it is going to happen. So they need to be trained in a professional way. So otherwise, you know, these girls will be stay where they are. They will not go up. They will not have any future. So whatever they are after 10th or 12th, if they get some admission in college, they will be there then after nothing. So nothing is going to happen for them. So we have to think about professional way, and we have to take them outside and try to give exposure for them. Right. So that is very important. So if one girl is going to Norway, another can go to Russia, any other countries, they can go. They will get more chances. और अब आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी अगली फुटबॉल प्लेयर से, जो कि है 17 साल की अंजलि. बहुत अच्छा कीपिंग किया था. और मतलब डाइव सिखा देते, डाइव होती नहीं थी. डर लगता था जमीन पर गिरने पे. अगर लग गई, अगर छिल गए तो. अंजलि, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछने वाली हूँ कि आपकी जो फुटबॉल के अंदर एंट्री हुई वो बहुत ही चांस एंट्री थी. फुटबॉल आपने कभी सोचा नहीं था कि आप एज अ स्पोर्ट उठाने वाले हैं. हमारे दर्शकों को बताएं, हाउ डिड इट ऑल हैपन टू यू? पहली बार मैम और बॉबी दी आई थी स्कूल में, अनाउंसमेंट असेंबली में करवाई थी कि फुटबॉल ग्राउंड. तो फिर मैंने देखा, फिर हम सारे मतलब ग्रुप बनाकर 12 सेक्टर गए. तो वहाँ पर हमने मैम ने सिखाया हमें कि मतलब फुटबॉल सिखाया. फिर चार पांच दिन गई लगातार. फिर मैं मम्मी ने फिर मना कर दिया. मम्मी ने बोला बहुत दूर है, फिर इतना किराया लग रहा है. तो फिर मम्मी ने मना कर दिया. फिर उसके एक साल बाद फिर बर्थडे पार्टी पे मेरे फ्रेंड्स आए थे. फिर उनने कहा, मम्मी को बहुत फोर्स किया, मैं अमंटी अंजलि को भेज दो. फिर मम्मी ने फिर कहा ठीक है चले जा. फिर मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन किया मेरे फ्रेंड्स और मम्मी को. फिर मैंने खेला, फिर धीरे धीरे फिर डिफेंस खेला सबसे पहले. फिर मुझे कीपरिंग बहुत अच्छी लगने लगी. तो मैंने कहा मैं गोलकीपर ही बनूंगी. तो एक सर थे पब्लू सर, फिर उसने एक संगीता दी थी, हम दोनों को मतलब कीपरिंग की प्रैक्टिस दी थी. उनकी बहुत अच्छी थी कीपरिंग, और बहुत अच्छा कीपरिंग किया था. और मतलब डाइव सिखा देते, डाइव होती नहीं थी. डर लगता था जमीन पर गिरने पर, अगर लग गई, अगर छिल गए तो. फिर धीरे धीरे फिर मैम ने कहा नहीं लगेगी तो कर. फिर अचानक से गेम में मतलब भूल जाते गिरना भी, मतलब जैसी बॉल आई ना उसके पर कूद पड़ते थे. मतलब बॉल कैसे भी हो अपने पास ही रखनी है, किसी को देनी नहीं है. अपोनेंट टीम से अपने पास ही रखनी है. फिर ऐसे खेला, फिर मतलब डिस्ट्रिक्ट भी खेला, फिर स्टेट लेवल भी खेला.
और खेलते चले गए एक एक करके, है ना। आज तक कभी मम्मी ने उसके बाद या पापा ने आज तक कभी रोका नहीं, कभी मना नहीं किया खेलने से? नहीं है मेरे। हाँ, मतलब मम्मी, माय अपोलॉजीज जी, सो मम्मी ने आज तक कभी नहीं कहा? हाँ, एक बार कहा था। क्या कहा? एक बार हरियाणा लीग स्टार्ट हुई थी तो उसमें पहली बार मैम ने मुझे कीपर में लिया था, मतलब मेन कीपर थी मैं, तो मतलब पैसों की प्रॉब्लम की वजह से ना मैं उस मैच में नहीं जा पाई और उस मैच में जैसे मतलब टीम हार गई मेरी, तो मुझे उस बात को बहुत बहुत बुरा लगा कि मेरी वजह से टीम हार गई। बट ऐसा क्या हुआ था कि आप जा नहीं पाए थे मैच में? मतलब कि पैसे नहीं थे इसीलिए जा नहीं पाई। फिर अब धीरे धीरे मतलब मैं पैसे इकट्ठे करने लगी ताकि जो मैचेस आ रहे ना उसमें मेरे पास पैसे और मैं खेल पाऊँ। इनफैक्ट मैं अपने दर्शकों को यहाँ कुछ बताना चाहूँगी, आपको बता दूँ कि यहाँ जब ये बच्ची बोलती है कि उनके पास पैसे नहीं थे, एक 10 रुपये की छोटी सी जर्नी लेनी थी, लेकिन जब इंसान के मन में एक जज्बा होता है तो कई बार हमें अपने आप को दबाना पड़ जाता है। उस बच्ची की मजबूरी थी उस समय कि 10 रुपये ना होने की वजह से वो उस मैच में हिस्सा नहीं ले पाई, और देखिए आज आपके सामने यहाँ पर है कि वो बच्ची खुद कहती है कि उसको उस बात का कहीं ना कहीं आज भी चुभन है। लेकिन कोई नहीं अंजलि, आज आप खेल खेल रहे हैं, आज आप ये स्पोर्ट खेल रही है और कितने सारे बच्चों के लिए वहाँ पे एक मोटिवेशन के तौर पे हैं। मैं ये पूछूंगी आपसे कि आपके परिवार में आपकी माँ है और आप हैं, और आपका कोई भाई बहन वगैरह कोई? जी, एक मेरी दो सिस्टर है, एक मेरा छोटा भाई है, तो वो दोनों भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं तीनों के फुटबॉल खेल, मतलब आप सबसे छोटे हो उन सब में? मेरे से छोटा मेरा भाई है। आपसे छोटा आपका भाई भी है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इतने भाई बहन होने के बावजूद आपकी मदर, आपकी माँ आज आपको ये स्पोर्ट खेलने दे रही है। आइए आपकी छोटी सी एक जर्नी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, जहाँ आप देखेंगे कि अंजलि ने इस स्पोर्ट का हिस्सा बन के कैसे फुटबॉल को अपनी जिंदगी में अपने करियर के लिए चुना। ये है अंजलि पाठक, जो टीम की गोलकीपर है। अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के सपने संजो रही ये है अंजलि पाठक की माँ। भले अंजलि की माँ ज्यादा कुछ नहीं कह पाई हो, लेकिन आंखों में झलक आए इन आंसुओं ने बहुत कुछ कह दिया है। मतलब मैं पापा नहीं है तो मम्मी हम सबको देखती है, हमारा सबका खर्च चलाती है, और मतलब सब अगेंस्ट है कि फुटबॉल मत जा क्या करेगी, तो मम्मी ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था कि जा फुटबॉल खेल आगे बढ़। और इसी चक्कर में मैंने अपने बाल भी काट दिए थे, क्योंकि बाल बहुत परेशान करते थे, मैंने बाल भी काट दिए फुटबॉल के लिए। और मतलब मम्मी ये भी सब कहते हैं कि बाल क्यों कटवाए, अब आगे जाके क्या करेगी, ऐसी शादी कर सकेगी वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा, मम्मी ने कहा कोई नहीं, अब फुटबॉल में जा रहे तो उसको आगे में ही, मैं टीम की गोलकीपर हूँ और मतलब एक ही कीपर है तो मैं ही हूँ, मतलब सारे और मतलब सपोर्ट करती हूँ, और मेरे ऊपर टीम की जिम्मेवारी है, और मतलब कि सब ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ये गोल नहीं खाएगी और मतलब हमारा हम टीम जीतेंगे। तो ये तो देखा आपने यहाँ पे अंजलि की जुबानी। इससे पहले कि मैं बातचीत करूँ हमारे मेहमानों से, मैं अंजलि से एक सवाल और पूछना चाहूँगी। हमने देखा जब अभी आपकी माँ से बातचीत हो रही थी, आपकी माँ की आंखें भर आई, आपकी भी आंखें भर आई। आप टीम के अंदर एक बहुत अहम हिस्सा निभा रही हैं, टीम के गोलकीपर का, जो अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जब आपके फादर नहीं रहे, आपके पिताजी नहीं रहे थे, उसके बाद से आपके परिवार में काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, और उसके बावजूद आपने स्पोर्ट को अपने करियर के तौर पे चुना, और आज आप देख रही हैं आप अहम हिस्सा निभाती हैं। मन में क्या भाव आते हैं जब आप सोचते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना लंबा सफ़र तय कर लिया? मतलब अच्छा लगता है बहुत, बहुत। अब तो मतलब अजीब सा लगाव हो गया फुटबॉल से, मतलब अब यही मतलब फुटबॉल में ही आगे बढ़ना और किसी भी चीज़ में नहीं। और मुझे अभी मतलब वर्ल्ड कप में भी जाना है, मेरा एक सपना है वर्ल्ड कप में गोलकीपर का, फर्स्ट 11 में नहीं तो मतलब एक्स्ट्रा में ज़रूर जाऊँ, मतलब उससे मुझे पता चलेगा मतलब कैसे हैं, मतलब बहुत। आप ज़रूर जाएंगे वर्ल्ड कप में, फीफा तो इस साल आ ही गया भारत के अंदर, हमने देखा भारत ने होस्ट भी किया है। मैं आऊँगी यहाँ पर अब सबीरा जी के पास, ये एक बच्ची है जो खुद अपने आप में आज गोलकीपर है आपकी टीम की। इस बच्चे को इस ढांचे के अंदर मोल्ड करने में, जिस तरह से परिवार से आती है, माँ है, भाई बहन है, सबसे छोटी है, कितना समय लगा आपको इसको इस ढांचे में डालने के लिए फुटबॉल के? मैम जब हम रिजल्ट की बात करते हैं तो फुटबॉल में अगर आप रिजल्ट अगर चाहते हैं तो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डाइट। अगर बच्चे को डाइट है और
उनका बैकग्राउंड सही है तो दे कैन परफॉर्म दे वेल इन फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल इट्स अ पावर गेम एज वेल एज अ गेम ऑफ माइंड. वहाँ पे आपको गेम में एक्शन लेने से पहले ही सोच लेना होता है कि एक्शन क्या लेना है. तो जब बच्चे साइकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली जब पिछड़े हुए होते हैं तो इनके साथ में कई सारी परेशानियां आती है. जहां हम एक साल में अगर दो साल में रिजल्ट देने वाली लड़कियां होती है, ये इन बच्चों के साथ हमें चार चार साल पाँच पाँच साल लग जाता है इन्हें उस लेवल पे लाने के लिए. अब मैं आपको एक बात बताऊंगी कि जनरली एक ब्रांडेड स्टड लोग यूं ही खरीद लेते हैं, लेकिन वो एक ब्रांडेड स्टड जितने का होता है मैम उतने में इनकी फैमिली चलती है पर मंथ. तो आप सोच सकते हैं कि हम किस डाइट की बात कर सकते हैं इन लोगों के साथ में, और क्या इनको किट की बात कर सकते हैं या इनके इक्विपमेंट की बात कर सकते हैं. हाँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन और फिर ये बच्चे अपने घरों से कन्वेंस लगा के घर अपने यहाँ पे आते हैं, तो ये हमारे लिए रिवॉर्ड होता है. जैसे लोग बोलते हैं कि आपको क्लब चलाना है तो आपने फीस लेना चाहिए, और जो फीस देने वाला होता है वही सीरियसली खेलने वाला भी होता है. लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है. मेरे लिए ये है कि अगर ये बच्चा फुटबॉल ग्राउंड पे अगर अपना 5 रुपया या 10 रुपये का टिकट लगा के अगर ऑटो का रिक्शा लगा के आता है तो दैट इज़ अ फीस फॉर मी, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल, इसीलिए वो आ रही है. और आज ना कल तो ये सीख ही जाएगी. ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बच्चा बहुत बड़ा फुटबॉलर बने, पर एक गेम है, टीम गेम है, एंड फुटबॉल इज़ अ गेम वेयर यू कैन गेट ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. ये सब तो और बातें, लेकिन जहाँ से ये बच्चे आते हैं वहाँ इन्हें ये माहौल नहीं होता है कि ये सोशलाइज करे या कुछ अच्छा खेले, लाइफ एंजॉय करे, जो एक चाइल्डहुड होता है और एक उनको एक बचपन चाहिए होता है वो उनको नहीं मिल रहा होता है वहाँ पे. तो ये जब हमारे ग्राउंड पे आते हैं, खुले माहौल में आते हैं, इनको खुली हवा मिलती है, खेलने को इतना सुंदर माहौल मिलता है, अपना ग्रुप मिलता है, गर्ल्स मिलती है, हंसते हैं, बोलते हैं, तो दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट थिंग. अगर यहाँ पे हम फिर इन लोगों के साथ जो रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब बड़े बड़े मेडल से भी बहुत ज़्यादा है हमारे लिए. इवन इफ ए गर्ल इज़ रिप्रेजेंटिंग एनी वेयर फॉर मी, इट्स अ वेरी बिग थिंग. लेकिन इसके बावजूद भी हम आज बच्चों को डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल से ले लेके हम प्रो टीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हम इन्हें एम्पावर करने की बात कर रहे हैं. तो इनकी कोचिंग से लेके, इनका डाइट से लेके, इनका अपना इकोनॉमिकल जो पीछे से फैमिली का भी, काफ़ी लड़कियों को फैमिली कंस्ट्रेंट्स भी है, ऑब्लिगेशंस है, सोसाइटी भी इन्हें पुल करती है. तो ये यानी अगर आप बच्चों से खुद इंडिविजुअली बच्चों से बात करोगे तो हर बच्चे की एक डिफरेंट स्टोरी होती है. जी, और मैं ये बात मंडल जी से भी पूछूंगी. जब बातें बता रही हैं, इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें उठाई हैं अपनी बातों में. डाइट की बात उठाई, कोचिंग की बात उठाई, इनकी एक मेंटल स्ट्रक्चर की बात उठाई, साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होता है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो फैमिली का है, इन सब में एक बहुत अहम सवाल ये उठता है कि आप जब ये क्लब चला रहे हैं, आपने को फाउंडर के तौर पर शुरू किया, इन सब चीज़ों के लिए आप फंडिंग कहाँ से लाते हैं इन बच्चों के लिए? बिकॉज एज फार एज आई नो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है. आप लोग इन बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन उसके साथ साथ यू कैन नॉट ओवरलुक द हेल्थ, दैट इज़ अ नेसेसिटी इन द स्पोर्ट. तो वहाँ से कैसे आप इन चीज़ों को मैनेज करते हैं फिर? मैम शुरू में तो सब कुछ ही, मतलब इट्स नॉट बोस्टिंग, बट शुरू में हम ही करते थे. स्पेशली मैं ज़्यादातर बिकॉज ऑफ जॉब आई यूज़ टू स्टे अप समवेयर अदर देन आउट ऑफ स्टेशन, एंड शी यूज़ टू आई मीन खुद ही खर्चा करती थी जो भी चाहिए होता है, डाइट बोलो, ये बोलो, इवन खुद भी मतलब गाड़ी लेके आती है, कहीं पे जाना हो, खेलने जाना हो, सब कुछ खुद ही अपने हिस्से. कभी भी मतलब मैं भी कभी भी हिसाब नहीं मांगता था. मेरे को भी अच्छा लगता एक्चुअली. मैं भी बिकॉज आई एम ऑल्सो मैंने फुटबॉल लवर, और शी वॉज हरसेल्फ ए प्लेयर, नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर, तो काफ़ी हद तक मतलब फ्रीक्वेंसी भी मैचिंग था. और पैशन जहाँ पे वहाँ पे मेरे ख्याल से पैसा उतना मैटर नहीं करता है. अगर कभी स्पोर्ट्स का कुछ इवेंट है, कुछ है,
तो मैं फरीदाबाद आ जाता था मैं। पर आपको देखिए भगवान ने कितने खूबसूरत रूप से बच्चे दिए हैं जिनको आज आप एक राह दे रहे हैं। ये इन अ वे बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज आप जैसे लोगों की दुनिया में लोगों को ज़रूरत है। भारत में तो खास तौर से जब हम बात करते हैं अगर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है स्पेशली फॉर किड्स टू कम अप एंड मेक देमसेल्व्स इनटू समथिंग पीपल नीड मेंटोर्स लाइक यू गाइड्स लाइक यू जो अपने से पहले इनके बारे में सोचें। मैं अगर आपके पास आऊँ राहुल जी और इसी बातचीत को यहाँ आगे बढ़ाऊँ तो आपसे मैं ज़रूर पूछूंगी दैट आप भी इन बच्चों के साथ एसोसिएट रहते हैं। यहाँ पे एक शख्स है मंडल जी जिन्होंने अपनी पर्सनल नीड्स को पीछे रख के पहले इन बच्चों के लिए कुछ सोचने के लिए कुछ करने के लिए सोचा। इतने वर्षों में जब आपने इन बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखा है यहाँ पे और भी हमारी ऑडियंस के अंदर भी आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोचेज हैं प्रोफेशनल क्लब भी एक बन चुका है। हाउ मच ऑफ चेंज एंड ग्रोथ हैव यू सीन इन दिस क्लब इन द पास्ट फ्यू ईयर्स जब से शुरू हुआ था और आज में? जब शुरू हुआ था तब हार्डली मेरे को कोई यू नो सीनियर लोग दिखते थे वहाँ पे। आल्सो इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट एग्जैक्टली लाइक सबीरा जी मुझे दिखती थी जी। मंडल जी जब भी यहाँ छुट्टियों में आते थे या कुछ होते थे वो हमेशा वहाँ पे दिखते थे। एंथनी सर संडे सैटरडे दिखते थे हमें ऑन हॉलीडे। हाँ ऑन हॉलीडे टाइम। सो धीरे धीरे सबीरा ने एक काम जो शुरू किया उसने क्या किया कि मतलब शी इज नॉट मेंशन येट जी she started developing kids into the coaching line also. Ooh. Yes. And I think two or three kids from our club, yeah. they did license. Their license also in coaching yeah. license, wow. mean beginning license. Ji ji. So who are taking care of the youth, you know, a grassroots things. So it's not about ki yahan pe sirf hum, kyunki dekho, the thing is football is not ki ho sakta hai kabhi injury ho jata hai. आप कम बैक नहीं कर पाते उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क। यस क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा क्योंकि आज की डेट में पेरेंट्स चाहे वो लड़के का पेरेंट्स हो चाहे वो लड़की का पेरेंट्स हो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि स्पोर्ट्स में क्या। जी जी फुटबॉल तो आप पीछे कर दो बहुत स्पोर्ट्स में क्या। तो वहाँ पे एक जो पाथवे जो इन्होंने तैयार किया है दिस इज ब्यूटीफुल कि ओके ये नहीं है तो ये लाइन है ये लाइन नहीं है कोचिंग का नहीं है तो चलो हम फिजियो वाला लाइन देखेंगे। सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रही हैं हर तरीके से एक एनवायरनमेंट एक एटमॉस्फेयर इन्होंने देने की कोशिश करी है। बात करूं मैं अंजलि की यहाँ पे तो मैं इसको खेलते हुए देखा था अंडर 13 का जब मैं कोचिंग कर रहा था अंडर 13 में थी एंड शी वॉज लाइक अ प्रो यू नो शी इज अ गोल कीपर शी सपोज टू बी एट दी नियर गोल पोस्ट एंड शी इज लाइक ऑन द हाफ लाइन and she is like hey mere ko ball khelna hai main khilati hu means that kind of confidence she has so sabne ek dusre se sab kuch seekhte hain yahan pe ma'am ne diet ki baat kari bahut achhi baat kahi yahan pe ek kyunki yahan pe jab hum underprivileged bachchon ki baat karte hain to hum log yahan pe dry fruits ki baat nahi kar rahe hum yahan pe non veg ki hum inko low carbs pata hi nahi kya hai inko pata nahi hai proteins kya hai to I remember the first session when I was with Mr. Mandal and he was telling kids अरे घर में दूध नहीं है ना कोई बात नहीं छाछ पी लो भाई कोई बात नहीं बनाना खा लो भाई। तो he used to tell these kids की क्या खाना है। लड़कियां गेम में ऊपर उठ पा रही हैं इसमें पेरेंट्स जो हैं उनकी बहुत ही मदद कर रहे हैं उनके खाने पीने की सारी चीज़ें जो हैं आजकल पहले लड़कियों को दूध वगैरह नहीं दिया जाता था मगर आजकल जो बच्चे खेलने वाले हैं खेलने वालों को उसी तरीके का खाना जो है प्रोवाइड करा जाता है घर की तरफ से भी और स्कूल की तरफ से भी बच्चों पर इतना ध्यान दिया जा रहा है कि स्कूल में भी खाना हमारे यहाँ पर स्कूलों में आया जाता है बच्चों के लिए और उसमें सारी चीज़ें वही होती हैं जो कि बच्चे को प्रॉपर डाइट जो मिलनी चाहिए वो सारी चीज़ें हमारे स्कूल में ही बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं। वहाँ पर जो है इनको बहुत सारी सुविधाएं जो हैं स्कूल में दी जाती हैं जैसे कि आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं जिससे और एल्बेंडोज की टैबलेट्स दी जाती हैं और मिड डे मील जो है हमारे स्कूल में दिया जाता है बच्चों की डाइट जिससे कि इनकी डाइट बनी सही रहे और ये आगे जाएँ। इन बच्चों को आप कैसे सप्लीमेंट कराते हैं उन बेसिक चीज़ों के साथ बिकॉज स्टैमिना तो बच्चे को चाहिए उसको आयरन चाहिए पोटेशियम चाहिए कैल्शियम चाहिए उसका जो सोर्स ऑफ सप्लाई आता है वो कैसे आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग वी यूज टू टेल दिस किड्स दैट अपना वाटर बॉटल जरूर लेके आओ पानी हाँ जो कि सबसे एसेंशियल चीज़ है फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन। अगर वाटर बॉटल आपके साथ है तो आप कई इंजरीज से बच रहे हो उस समय डिहाइड्रेशन होने से बच रहे हो। और बात करें तो हम लोग कहते थे कि ओके
जो नॉन वेजिटेरियन है भाई, दो अंडा आप किसी तरह अगर पूरे दिन की एक डाइट में ले सकते हो तो कोशिश करो लेने के लिए। केला खा सकते हो, केला खाने का कोशिश करो, और बाकी अपना नॉर्मल डाइट को चलने दो। सोयाबीन इज द वन ऑफ द प्रोटीन, सोया चाप आल्सो फॉर दैट मैटर। एग्जैक्टली जी। एंड इन प्रोफेशनल वी डिड समथिंग डिफरेंट, वी हैव वन अकोमोडेशन फॉर द प्लेयर्स जी, एंड शी अरेंज द कुक फॉर देम। वहाँ हमारा डाइट अलग है, उनको नॉन वेज वन टाइम इज नॉन वेज, दूध कॉर्नफ्लैक्स एवरीथिंग इज अरेंज देयर, डाइट चार्ट्स आर देयर। बट फॉर यस दोज हु आर कमिंग डेली बेसिस द थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट। नहीं वो तो मैं समझ सकती हूँ, धीमे धीमे करके चीज़ें बढ़ती हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो आप लोगों ने लिया हुआ है। एंथनी जी अगर मैं आपसे पूछूँ, आप उस समय मुझे बता रहे थे कि प्रोफेशनल कोचेस की जब हम बात कर रहे थे, ये कैसे धीमे धीमे करके ये एक रिक्वायरमेंट है और ग्रेजुअली एक नीड बन रही है कि आप इस क्लब के अंदर प्रोफेशनल कोचेस को भी लाएँ। उस लाइन के ऊपर आप लोगों ने अभी क्या थॉट प्रोसेस या ब्रेन स्टॉर्मिंग करना शुरू किया है कि आप प्रोफेशनल कोचेस को भी इस क्लब के अंदर लाएँ? आप अभी प्रोफेशनल एवरीथिंग इज़ वेरी इजी, टेलिंग थिंग्स आर वेरी इजी, बट वेयर डू द मनी कम फ्रॉम दैट? इफ यू हैव टू ब्रिंग कोच, यू हैव टू हैव फंड फॉर दैट, यू हैव टू पे सैलरी, देयर अकोमोडेशन, देयर फूड, एवरीथिंग हैज़ टू बी अरेंज। सो दैट इज़ द ओनली कंस्ट्रेंट फॉर अस नाउ, राइट नाउ। सो एटलीस्ट फॉर अ प्रोफेशनल टीम, प्रोफेशनल कोचेस एंड गोइंग ट्रैवलिंग, एवरीथिंग इन लॉट ऑफ एक्सपेंसिस इन्वॉल्व। So we'll have to, we are thinking about how to generate fund for that. So that is only constraint for us right now. So everything is, we are finalized. People are there available, professional coaches are available, all are available. But the funds are not available. That is the only problem with us right now. But I'm sure gradually, step by step, by the time we have one, I think she went back. One, we have one coach, she's a female coach. Uh-huh. And that is the one good thing about our club. That our owner is female, it's a girls mm-hmm. club, and our coach is also female mm-hmm. here. So she is a C license coach, mm-hmm. and we are looking for the B license also. Mm-hmm. But yes, like Anthony sir said, that the funds are one thing. Mm-hmm. So Sabira is looking after for that. She can tell I'm sure more jab about itne samay mm-hmm. ke andar itna kuch aapne kar diya, itna kuch positive growth aapne dikhwai hai, ye cheeze bhi aage chalke hal hongi dheeme dheeme. और यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी चौथे मेहमान से, जो कि है 19 वर्षीय सीता। शूटिंग मुझे बहुत डर लगता था कि मैम ने मुझे, मतलब ऐसा लगता था कि कैसे करूँ, राइट फुट किधर जाएगा, किधर शॉट मारूँ। सीता अगर मैं आपसे अभी पूछूँ, वेल द एल्डेस्ट अमंग्स द लॉट, सबसे बड़ी, लेकिन उसके साथ साथ आप नेशनल लेवल पर ही खेल चुकी हैं, फुटबॉल आपकी ज़िंदगी में कैसे आया? मैं भी जब 98 स्टैंडर्ड में थी, मैम आई थी स्कूल में, मॉर्निंग असेंबली में अनाउंसमेंट हुई थी कि जिन जिन लड़कियों को फुटबॉल में इंटरेस्टेड है वो सेक्टर 12 आके फुटबॉल सीखे वहाँ पे। तो हमारी फ्रेंड्स का ग्रुप बना था, तो फिर मैं गई थी हमारा सेक्टर। एक दो दिन मैंने खेला था, पर मेरी फैमिली ने मुझे मना कर दिया था कि नहीं खेलना, बहुत दूर है, आते समय रात हो जाती है, तो पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया था। फिर मैंने एक मंथ तक उनको बोला था कि पापा मम्मी से बोला कि मम्मी पापा जाने दो करके। फिर फर्स्ट मई से, हाँ मई या जून से कैंप स्टार्ट हुआ था, तो मैंने तब वहाँ पे प्रॉपरली खेलना स्टार्ट किया था। तो फिर मैम सर सबों ने, कोचेस ने वहाँ पे मुझे खेलना सिखाया था। ब्यूटीफुल। सो वहाँ से आप खेलते चले गए, लेकिन आपको कभी अपने परिवार से किसी भी तरह का कोई रोक टोक या वो नहीं मिला कि आपको इस खेल के अंदर नहीं खेलना? नहीं, अब तो मुझे अप्रिशिएट और करते हैं, रोकता कोई नहीं है, सारे सपोर्ट करते हैं मुझे, मेरी फैमिली। बट फुटबॉल खेलते खेलते आप बड़े नहीं हुए, फुटबॉल ऐसा भी नहीं था कि आपने ज़िंदगी में सोचा था आप इस स्पोर्ट के साथ जुड़ोगे। जब एक बार जुड़े तो ये खेल फील्ड में उतरने के बाद, ग्राउंड पर उतरने के बाद कितना मुश्किल समझ में आया? कैसे आपने इसकी टेक्निक सीखी, कैसे आप नेशनल लेवल तक पहुँचे? मुझे तो सपोर्ट करने वाले मैम सर, एसपी सर, राहुल सर, एंथनी सर, सबों ने मुझे, मेरे पे, मैं पर्सनली मैं कहूँगी कि मेरे पे बहुत वर्क किया है, क्योंकि मुझे शूटिंग, मुझे बहुत डर लगता था कि मैम ने मुझे, मतलब ऐसा लगता था कि कैसे करूँ, राइट फुट किधर जाएगा, किधर शॉट मारूँ फ्रेम में, मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था, मैं एकदम अनकॉन्शियस हो जाती थी क्या करूँ, बॉल आगे सामने से। तो फिर मुझे सर ने पहले शूटिंग वगैरह, फिर स्किल्स वगैरह, सब टेक्निक वगैरह सब सर ने और मैम ने मिलके सिखाया था मुझे, और फिर वहाँ से आप सीखते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, है ना? हाँ जी। चलिए आपका ये सफर हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को, दिखाते हैं आपको सीता का अभी तक का फुटबॉल के अंदर सफर।
ये है सीता थापा। सीता एक कमरे के इस घर में अपने तीन भाई बहनों और माता पिता के साथ रहती है। सीता के पिता एक सिक्योरिटी गार्ड है। सीता दिल्ली यूनिवर्सिटी के कमला नेहरू कॉलेज में पढ़ती है। सीता का एडमिशन यहाँ स्पोर्ट्स कोटे से हुआ है। सीता ऐसी पहली लड़की है जिसने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करने के बावजूद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाया है। मेरा ये घर है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं नेशनल प्लेयर हूँ। मैं हरियाणा से हरियाणा को मैंने रिप्रेजेंट किया है गोवा अंडर 18 में, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ कमला नेहरू कॉलेज से। मेरा स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन हुआ है। तो मेरा डेली रूटीन है कि मैं यहाँ से 6:30 बजे घर से निकल जाती हूँ, तो हमारी 7:30 से 9:30 बजे तक प्रैक्टिस होती है। तो ये तो थी सीता जिनको आपने देखा, और अब मैं उनके पास वापस चलूंगी कुछ पूछने के लिए। पहली वो बच्ची गवर्नमेंट स्कूल से होके आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट्स कोटे के अंदर कमला नेहरू कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया। यू फील हैप्पी, यू फील प्राउड अबाउट दैट? यस मैम, आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड प्राउड ऑल्सो, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से दिल्ली यूनिवर्सिटी तक जाना कोई आसान नहीं होता। बहुत बड़ा सफर है उनका क्योंकि जिनके अच्छे परसेंटेज भी होते हैं, लाइक सारे मेरी गवर्नमेंट स्कूल में भी फ्रेंड्स थी कि वो भी बोलते थे कि हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्राई करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा परसेंटेज चाहिए होती है। तो स्पोर्ट्स कोटे से मिलके हाँ मुझे भी अच्छा लगा था कि मिल गया एडमिशन करके। दैट इज सो हम्बली पुट ओवर हियर, यू हैव अ किड, इनफैक्ट अ यंगस्टर, एन एडोलेसेंट, 19 साल की, लेकिन इतने हम्बली कह रही हैं, इतना लंबा सफ़र तय करके आ गए। आज डीओ के अंदर स्पोर्ट्स कोटे के नीचे कमला नेहरू कॉलेज के अंदर उनका एडमिशन हो चुका है, ऑल थैंक्स टू हर हार्ड वर्क। सबीरा जी, अगर मैं आपके पास आऊँ, यू हैव किड्स लाइक सीता ओवर हियर जो मुझे भी इंस्पायर करते हैं, मेक मी फील गुड कि अपनी मेहनत के बल पे बच्चे कहाँ से कहाँ तक चले जाते हैं। यस मैम, इनफैक्ट शी हैज़ इवन टेकन द लीडरशिप प्रोग्राम ऑल्सो एंड फुटबॉल मैनेजमेंट कोर्स एज वेल एज। तो हम ग्रेजुअली जो बच्चे हैं इन लोगों को नॉट ओनली जस्ट अ प्लेयर बट टू मैनेज द फुटबॉल, टू लीड द फुटबॉल एंड टू कोच द गर्ल्स, हम लोग इस तरीके की साइमल्टेनियसली वो भी प्रैक्टिस और अरेंजमेंट्स करवाते हैं। अब आपने जैसे कोचिंग की बात करते हैं, तो जब हमने ये स्टार्ट किया था तो किसी कोच के भरोसे स्टार्ट किया था, बट इन द क्या process. कश्ती में हमें अकेला छोड़कर नदी में समंदर में छोड़ के चले गया। तो फिर हमारे लिए ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उस समय हमारे पास पैसों की कमी थी, कोई सोर्सेस नहीं था, तो भी हम किसी कोच को लाकर बच्चों को कोचिंग नहीं करा सकते थे। स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड होने की वजह से फिटनेस और ये सारा तो नॉलेज था ही, तो ग्रेजुअली मैंने ही खुद ट्रेनिंग्स स्टार्ट की। और मुझे उस समय वहाँ के जो प्रेजेंट फरीदाबाद के DSO जो स्पोर्ट्स ऑफिसर थे लांबा जी, उन्होंने बहुत एनकरेज किया कि मैम आप साबिरा आप बहुत अच्छा फिटनेस करवाती हो एंड आप प्रोफेशनल कोचेस के जैसा ही वर्क करती हो, तो व्हाई डोंट यू ट्राई कोचिंग। और मैंने फिर ट्रेनिंग लेना शुरू किया एंड मैंने भी सर्टिफाइड कोर्सेज किए हैं, डी लाइसेंस वगैरह करवा करके फिर कोचिंग स्टार्ट किया। ग्रेजुअली हमने कैंप्स और वर्कशॉप्स और डिफरेंशिएशंस, मतलब अगर हमारे फुल टाइम कोचेस नहीं हैं तो स्मॉल सेशंस के तौर पे हमने कोचिंग्स में इम्प्लीमेंटेशन किया, और मतलब ऑल टुगेदर हमारा कोच बच्चों का गेम लेवल हमने ऊपर लाया। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं नॉट ओनली नेशनल लेवल पे लेकिन इंटरनेशनली भी, जैसे मिस्टर पाउलो पेड्रो है, डेविड शोला है, ये लोग भी आके वॉलेंटरली भी बच्चों को कोचिंग देकर गए हैं खुद। और ये सारा एक्सपोजर के वजह से ये बच्चे आज इस लेवल पे आए हैं। और अब हम लोग जब प्रो टीम की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली जितना प्रोफेशनल हम कोच लाना चाहेंगे तो उतना ही हमें उसके लिए फाइनेंस भी खड़ा करना है, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट, कि हम बच्चों को, मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि हम
इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर हम खड़ा कर पाएंगे, पर आपने दे और हम लोग ने खड़ा किया। और डेफिनेटली हमारे पास फिलहाल तो भी एक विमेन कोच है उस टीम के लिए, लेकिन हम एक अभी अपना मेन जो हेड कोच है वो भी हम ले आएंगे। श्योर। इनफैक्ट मंडल जी, मैं अगर आपसे पूछूं सबीरा की बातों को आगे बढ़ाते हुए ही, आपके पास इस अकेडमी या इस क्लब के अंदर बहुत से ऐसे बच्चे भी आते हैं जो बाहर के स्टेट से आते हैं और काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं उनको रजिस्टर करवाने में। आई एम श्योर एक जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी आती होगी वो ये, क्योंकि ये बच्चे जिस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं इनके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते इन प्लेस, बर्थ सर्टिफिकेट बहुत बड़ा सवाल है, उस तरह के सिचुएशंस को आप कैसे डील करते हैं इन बच्चों के साथ? एक्चुअली दैट इज़ द मे बी द one of the important part of our club ki imparting education जी. real life education hmm. means based on real life requirement bookish education and, life ke and Sabira ma'am she used to give all that education also hmm. real life education matlab kya documents tumhare life ke liye zarurat hai kaun si kya paper hona chahiye kya hona chahiye kya nahi hona chahiye so that your life can be smooth hmm. bahut bachcho ka main problem aisa hai khelte acche hai because of some document kabhi bolte hai ma'am mere paas a document nahi hai mere paas birth certificate nahi hai pata hi nahi hai kya hota tha birth certificate तो मैम क्या करते थे डिफरेंट जो भी ऐसी बातें करते थे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए अगर कोई पेपर अगर बोले कि ठीक है उसमें कोई पार्षद से या किसी से एक तो शी यूज़ टू गो एंड शी यूज़ टू अरेंज दैट डॉक्यूमेंट इफ इट इज़ रिक्वायर्ड शी कैन एक्सप्लेन। जी जी सबीरा जी। हाँ जी मैम, हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया था ट्रायल्स या स्टेट लेवल के जो भी इवेंट्स होते हैं जहाँ पर इन लोगों की स्टेट टीम के लिए स्काउटिंग होती है तो तब मैं जैसे इवन सीता भी फर्स्ट टाइम अपने खुद नेशनल खेलने के लिए जिस स्टेट टीम में इसका सिलेक्शन होने के बावजूद भी ये खेलने नहीं जा पाई थी क्योंकि इसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। इस तरीके से हमारे क्लब में पूजा है, यहाँ पे सोनी है प्रेजेंट, ऐसे और भी नई लड़कियाँ हैं तो ये लोग बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से इन लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। प्रॉब्लम ये है मैम कि बहुत सारे बच्चे डिफरेंट स्टेट से आए हुए हैं, इनके पेरेंट्स जो है रोजगार के लिए अपनी रोजी रोटी के लिए शहरों में आते हैं और फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल टाउन होने की वजह से ये लोग यहाँ आके सेटल हो जाते हैं, लेकिन जब ये लोग यहाँ आके रहते हैं तो एक छोटा सा इनका रूम होता है एक कॉलोनी में, एक छोटे से घर में होते हैं जो रेंटेड होता है और इन लोगों के पास बेसिक चीज़ें अवेलेबल नहीं होती तो डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत बड़ी दूर की बात है। पर वो बच्चे इस अभाव से कि उनके पास अपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और उनके पास अपने आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तो वो खेल नहीं पाते हैं। स्कूल में उनके नाम दर्ज होते हैं पर स्कूल की सिर्फ लिखी हुई जो बोनाफाइड है उसके ऊपर मान्यता नहीं होती है अगर कोई सरकारी इवेंट खेलना है तो फिर हमने काफ़ी बच्चों को हेल्प किया और हर बच्चे को मोटिवेट भी करते रहते हैं, उन्हें इस चीज़ का नॉलेज देते हैं, प्रोसीजर बताते हैं किस तरीके से हमने ये सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन हासिल करने हैं। लेकिन इन्हें दिक्कत ये आती है कि ये लोग किसी जगह और बर्थ लिए हुए होते हैं या इनकी स्टेट की प्रॉब्लम है, इवन कुछ बच्चे नेपाल से आए हुए होते हैं तो उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम है और इनकी काफ़ी सारी और परेशानियाँ होती है जिससे कई बच्चे डॉक्यूमेंटेशन नहीं तैयार कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हम काफी हद तक के अभी बहुत सारे फाइट करते हैं क्या बोल। लेकिन कई बार डॉक्यूमेंटेशन पूरा ना होने पर परेशानियां आती हैं, खासकर जो बच्चे नेपाल से आते हैं उनके पास अधिकतर जो उनका प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ होता है वो वहीं का होता है। कई बच्चे हैं जैसे कि नेपाल से आए हैं तो वो जो नेपाल की जो लैंग्वेज है वो अधिकतर कई लोग को पढ़ने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है तो पढ़ नहीं पाते उसको ढंग से, तो कई बार वो इस चक्कर में भी थोड़ा सा रह जाते हैं, बच्चे नहीं खेल पाते हैं। मगर फिर भी हम कोशिश करते हैं जहाँ तक हो सके कि उन बच्चों को आगे ले जाया जाए और बस ये प्रमाण पत्र जो हैं उनके कईयों के बने होते हैं कईयों के नहीं बने होते हैं तो उस चक्कर में भी बच्चे जो हैं हमारे पीछे रह जाते हैं या फिर उनको इन दिक्कतों का बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है। अभी फिलहाल जो मतलब एक इंडिया में एक डॉक्यूमेंटेशन को लेके एक पर्सनल आइडेंटिटी को लेके जिसे हम आधार कार्ड बोलते हैं ये एक
बहुत अच्छा स्टेप है जिससे इन बच्चों को एटलीस्ट वो मौका मिल रहा है कि ये आधार कार्ड पे जिन्होंने जो आधार कार्ड का इन्फॉर्मेशन था वो इनको स्कूल से पास ऑन हुआ है और जिससे इनका एक आधार कार्ड बना है और वो आधार कार्ड के बेसिस पे एटलीस्ट ये अपना आइडेंटिटी प्रूफ दे के पार्टिसिपेट करते हैं अभी हर जगह में जी। तो ये एक हमारे जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि एवरी पर्सन शुड हैव एन आधार कार्ड वो इन बच्चों के काम तो बहुत आया है मैम। राइट, और यहाँ से हम अभी आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे एक और बच्ची का बहुत ख़ास सफ़र। ये और ख़ास क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इस बच्ची के पापा ने अपनी बच्ची के लिए एक सपना देखा और उस सपने को या अपने सपने को अपने बच्चे के रूप में वो जीना चाहते हैं और जीने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर सोनी कुमारी की। ये है सोनी कुमारी। सोनी पिछले 2 साल से फुटबॉल खेल रही है। स्टेट लेवल खेल चुकी सोनी के पिता का सपना यही है कि उनकी बेटी इस खेल में अपने पिता के नाम के साथ साथ देश का नाम भी रोशन करे। सोनी के पिता एक एक्सीडेंट के दौरान अपनी एक टांग गंवा चुके हैं, लेकिन सोनी को खेलता देख उन्हें अब इसकी कमी नहीं खलती। एक्सीडेंट में 2006 में कट गई है, आगे के ये जो पैर है वो कट चुका है और हम लोग गाँव छोड़ करके यहाँ आकर के अपना दाल रोटी चला रहे हैं और एक लड़की को ये फुटबॉल में डाल रखा है और एक लड़की जो है इससे छोटी है जो बास्केटबॉल में है जो वहाँ घर पे ही हम उसको प्रैक्टिस कराते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। सोचने और समझने की बात नहीं है, मैं इसको बहुत आगे ले करके जाना चाहता हूँ और हम बहुत निचले कास्ट से आते हैं और आगे खेल करके एक अपने गांव की देश के नाम रोशन करे, इससे बढ़िया पर एक फादर को क्या और चाहिए। और हम लोग अपना दाल रोटी गुजारा किसी अच्छी तरह से कर रहे हैं, बस यही है कि बस ये खेलने में आगे निकल जाए, हमें सब कुछ मिल जाए। सोनी बताती हैं कि वो 10 साल की उम्र से ही बहुत अच्छा दौड़ती रही हैं और अच्छा दौड़ने की वजह से ही आज वो इस फुटबॉल टीम का हिस्सा है। 5th क्लास में पढ़ती हूँ, MSS पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। तो फुटबॉल में आपको इंटरेस्ट किस तरीके से हुआ? पहले मैं रनिंग करती थी, एक नंबर में ना एक ग्राउंड था ऐसे ही, तो एक सर के पास गया ना रनिंग वाले सर पर, तो वो बोले ना ये अगर ये 6 किलोमीटर दौड़ती थी 10 साल की थी मैं, तो सर बोले ना ये इतनी छोटी 6 किलोमीटर कैसे दौड़ सकती है, फिर अगर ये इतना दौड़ेगी ना तो ये इसकी हाइट नहीं बढ़ सकती है अभी से, तो मैं सर बोले ना ऐसे बेरा मैम के पास चले जाओ, तो हम पहले यहाँ पर देखें फिर अपने घर पर ही प्रैक्टिस करने लगे फिर यहाँ पर आए। अगर किसी ने कहा है तो बहुत सही कहा है कि सपने देखने में कोई खराबी नहीं है, अगर सपने नहीं देखोगे तो उनको पूरा कैसे करोगे। लेकिन अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो उसमें उम्मीद के साथ साथ मेहनत बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे उस बात का पूरी तरह से एक एग्जाम्पल है आप सबकी आंखों के सामने इस समय कि अगर आप किसी भी सपने को पूरा करना चाहो तो कोई भी रास्ता बहुत मुश्किल नहीं है, कोई भी सफ़र बहुत कठिन नहीं है, राह अपने आप निकलती आएगी चाहे कितनी मुश्किलें क्यों ना आए। दोस्तों, वक्त हो चला है आज यहाँ स्टूडियो में मौजूद हमारे सारे मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया करें। सबसे पहले कि हमारे साथ यहाँ आए सबीरा जी, मंडल जी, राहुल जी, एंथनी जी, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के एंड इट्स अ हार्ट फेल्ट अप्रिसिएशन टू द एफर्ट्स दैट यू ऑल आर डूइंग टुवर्ड्स फुटबॉल, जस्ट कीप द गुड वर्क कमिंग, थैंक यू सो वेरी मच, नमस्कार।